साउथ अफ्रीका टीम भी नए खिलाड़ियों के साथ उतरी है। कुछ नए खिलाड़ी हैं, कुछ पुराने खिलाड़ी हैं, और हम सब जानते हैं भारतीय टीम से विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों ने संन्यास ले लिया है। तो आज देखिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग के तौर पे आए हैं, से पामला आए हैं पहला ओवर लेके। आपको ये नया नाम लगेगा साउथ अफ्रीका टीम के लिए, नए खिलाड़ी हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं और इनको आज टीम में खिलाया गया है। और देखना होगा क्या भारतीय टीम क्या बड़ा लक्ष्य दे पाएगी साउथ अफ्रीका टीम को। जी हाँ, निश्चित ही टॉस साउथ अफ्रीका ने जीता था, पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन अब देखना होगा भारतीय टीम कैसे खेलेगी। अभिषेक शर्मा पहली बॉल, शानदार शॉट है ये, टाइमिंग लाजवाब, और ये देखिए शानदार तरीके से कवर की दिशा पे शॉट लगाया और चौका बटोरा। देखिए आसान नहीं होगा साउथ अफ्रीका के नए गेंदबाज को कि भारतीय बल्लेबाजों को रोक पाए, और आपको तो वो मुकाबला याद ही होगा भारत बनाम बांग्लादेश के बीच, जिस तरीके से भारतीय टीम लगभग 300 रन बनाने वाली थी लेकिन अंत में कुछ बॉल्स डॉट हुई जिसके कारण बना नहीं पाई। लेकिन देखिए क्या खूब खेले थे, और आपके सामने जो बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, हम सब जानते हैं इस खिलाड़ी की काबिलियत को, ये बड़ा खिलाड़ी है, आईपीएल में भी क्या खूब खेले, भारतीय टीम से जब जब मौका मिलता है तब तब बढ़िया खेलते हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक लगाया था और आज मौका है साउथ अफ्रीका टीम के खिलाफ एक अच्छी पारी खेल के अपने नाम को और ज़्यादा इस क्रिकेट की रणभूमि में कायम करने का। लेकिन ये लीजिए अभिषेक शर्मा एक और बड़ा शॉट खेलेंगे और इस बार तो छक्का बटोरते नजर आएंगे। यहाँ साउथ अफ्रीका टीम के युवा गेंदबाज की जिस तरीके से पिटाई कर रहे हैं अभिषेक शर्मा, काबिले तारीफ, क्या निश्चित ही कमाल का ये शॉट था। भारतीय टीम का स्कोर 10 रन 0 विकेट के नुकसान पे, पहला ओवर चल रहा है। से पामला बढ़िया गेंदबाज हैं ज़रूर, लेकिन आज इनके सामने बड़ी चुनौती है। एक बार फिर से आप शॉट देखिए अभिषेक शर्मा का, लेंथ को पहले ही भांप लिया था, शॉर्ट ऑफ लेंथ आने वाली बॉल को वो कहाँ छोड़ते हैं, पुल किया इसको लेग के ऊपर से और बॉल गई दर्शकों के बीच में। और ये देखिए तालियों की गूंज भी इस खिलाड़ी के लिए लगातार सुनाई दे रही है। भारत का स्कोर 10 रन 0 विकेट के नुकसान पे, और अब पहले ओवर की तीसरी बॉल से पामला करेंगे, इनके लिए ये ओवर बहुत चुनौती साबित हो रहा है। लेकिन अभिषेक शर्मा ये कहाँ रुकने वाले हैं, अगर इनको आप छोटी लेंथ करेंगे, ये बल्लेबाज हमेशा तैयार रहता है, और ये बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है, और ये सीरीज का पहला मुकाबला जिस तरीके से शॉट लगाया अभिषेक शर्मा ने, जी हाँ निश्चित ही बढ़िया अंदाज में शॉट लगाया और वहाँ पे छक्का बटोरते नज़र आए। और देखिए भारतीय टीम का स्कोर अब जा पहुँचा 16 रन, और अभी एक भी विकेट नहीं गिरा है भारतीय टीम का। यह मौका भी है, दस्तूर भी है आज अपने आप को साबित करने का। देखिए अभिषेक शर्मा पहले भी साबित कर चुके हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका एक मजबूत टीम है, अगर इनके खिलाफ रन बनाएंगे तो सारी निगाह इनके ऊपर जाएंगी। लेकिन दोस्तों मैं सभी से अनुरोध करूंगा, जो लोग YouTube पे इस बड़े मुकाबले को देख रहे हैं, एक बार भारतीय टीम के लिए लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद लिखिए, आपका नाम लिखिए, आपके शहर का नाम, आप कहाँ से देख रहे हैं और थोड़ा प्यार दिखाइए। जी हाँ, भारत का स्कोर 16 रन 0 विकेट के नुकसान पे, और अभी भी पहला ही ओवर प्रगति पे है, और शानदार शुरुआत भारतीय टीम की हुई है। साउथ अफ्रीका टीम अब थोड़ी खराब स्थिति में नज़र आ रही है। यहाँ भी शॉट अच्छा है, और ये लीजिए मिड विकेट पे एक और चौका अभिषेक शर्मा के बल्ले से हमें देखने को मिलेगा, और ये जबरदस्त खेल रहे हैं। देखिए युवा बल्लेबाज हैं और जिस तरीके से ये शॉट लगा रहे हैं, और युवराज सिंह को अपना मेंटोर मानते हैं अभिषेक शर्मा। उन्होंने बताया किस तरीके से उन्होंने युवराज सिंह के 6 छक्के देखे, और उसके बाद उनको उम्मीद थी कि वो भारतीय टीम के लिए खेल पाएंगे, और आज देखिए उनका सपना पूरा हुआ और क्या बढ़िया खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका टीम में जाके माफ़ करेगा, साउथ अफ्रीका देश में जाके इस तरीके से खेलना एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन
अभिषेक शर्मा ने शानदार खेल दिखाया। चिया ने चिति काफी ज्यादा प्रभावित किया है उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से, लेकिन अब ये पांचवी बॉल, ओ पांचवी बॉल थोड़ा सम्मान दिया, कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन गेंदबाज ने इस बार बल्लेबाज को फॉलो किया और बॉल को और आगे पटके अभिषेक शर्मा सिंगल लिया और स्ट्राइक दी संजू सैमसन को। देखिए आज संजू सैमसन की भी परीक्षा होने वाली है, पिछली सीरीज में भी अच्छा खेले थे और इस नई सीरीज में एक बार फिर उनको मौका मिला है और इस मौके को भुनाना पड़ेगा। और देखिए बड़ी बात होती है कि मौके पे चौका मारना, अभिषेक शर्मा तो मार ही रहे हैं, अब बारी है संजू की, लेकिन यहाँ पे शिपामला, इनसे बड़ी उम्मीदें थी। यहाँ कुछ तीन चार खिलाड़ी हैं जो नए शामिल किए गए हैं साउथ अफ्रीका की टीम में, और भारतीय टीम में तो लाइनअप पूरी तरीके से सेट है। अभिषेक शर्मा पहले भी खेले थे, अभी भी खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए अंतिम बॉल फुल टॉस की गई और इस गलती का फायदा उठाया संजू सैमसन ने और चढ़ा शानदार शॉट छक्के के लिए। सच कहूँ तो पहला ओवर भारतीय टीम के नाम रहा, ऐसा कहीं भी प्रतीत नहीं हुआ कि साउथ अफ्रीका टीम इस मुकाबले में है। और ये लीजिए गेराल्ड कोट जी, युवा गेंदबाज एक बार फिर से राइट आर्म फास्ट बॉलर, लेकिन छक्का हम जरूर देखेंगे जो अंतिम बॉल पे संजू ने लगाया, फुल टॉस बॉल थी, अपने पास बॉल को आने दिया और जबरदस्त शॉट जड़ के छक्का बटोरा। अच्छी मैं कह रहा था कि अभी तक इस मुकाबले में ऐसा देखने को मिला नहीं कि जहां हम कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका ने कुछ अलग किया हो। जी हाँ, लेकिन अब कोट जी को कुछ अलग करना पड़ेगा। अभिषेक शर्मा देखिए स्ट्राइक पे तो पहुंच गए हैं, ओ यहाँ कैच का मौका, लेकिन जी नहीं, भाग्यशाली रहे अभिषेक शर्मा, क्योंकि देखिए बॉल हवा में थी, पहले बॉल बल्ले पे टकराई, फिर हेलमेट पे टकराई और एक अच्छी बात रही कि चोटिल नहीं हुए। देखिए वहाँ मौका नहीं था, थोड़ा चकमा खाए गेंदबाज भी, अपने आप को सही जगह उपस्थित नहीं करा पाए और एक रन मिला वहाँ पे। भारत का स्कोर 28 रन 0 विकेट के नुकसान पे, दूसरा ओवर चल रहा है, संजू को चलना पड़ेगा। और अब दूसरे ओवर की दूसरी बॉल, संजू सैमसन ये लीजिए एक और जबरदस्त शॉट, लेकिन इस बार जड़ा है संजू सैमसन ने, दर्शक दीर्घा में गई बॉल और गेराल्ड कोट जी की ओवर की दूसरी बॉल पे जबरदस्त शॉट लगाया और बेहतरीन अंदाज में छक्का बटोरा संजू सैमसन ने। और अब देखिए जो कप्तान है एडम मार्करम, अब ये दबाव में आ रहे हैं और अगर एक बार आप दबाव में आ जाएं तो फिर चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, लेकिन भारतीय टीम ने क्या दबदबा बनाया इस मुकाबले में। लेकिन दोस्तों जो लोग यूट्यूब पे रोज़ देखते हैं और सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। गेराल्ड कोट जी राइट आर्म फास्ट बॉलर, स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल की बात करें स्टॉक बॉल है इनके। लेकिन देखिए भारत का स्कोर 34 रन 0 विकेट के नुकसान पे, दूसरा ओवर चल रहा है, संजू सैमसन 12 पे हैं। देखिए आज क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, और नया देखने को मिले या ना मिले, लेकिन संजू सैमसन का छक्का जरूर देखने को मिलेगा। एक बार फिर से बॉल को भेजा दर्शकों के बीच में और लगातार तालियों की गूंज के साथ इस बड़े मुकाबले में भारतीय टीम जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। यह बेहतरीन शॉट लगाया और ये शॉट जबरदस्त है, कमाल का है। संजू सैमसन आज अपना फॉर्म दिखा रहे हैं, जबरदस्त खेल रहे हैं। देखिए अभिषेक शर्मा अच्छा खेले और अब बारी थी संजू की, और संजू ने बिल्कुल भी मुड़ के नहीं देखा है, लगातार अच्छा खेल रहे हैं, बड़े शॉट चढ़ रहे हैं और अपना नाम इस क्रिकेट की रणभूमि में लिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी से मैं अनुरोध करूँगा भारतीय टीम के लिए, भारत देश के लिए एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद लिखें, आपका नाम लिखें, आपके शहर का नाम, आप कहां से देख रहे हैं और थोड़ा प्यार दिखाइए। जी 40 तो बना लिए हैं भारत ने, लेकिन अभी भी
बहुत कुछ बाकी है इस मुकाबले का। चौथी बॉल संजू सैमसन खेलेंगे और विकल्प तो है नहीं, लेकिन यहाँ देखिए हेलीकॉप्टर शॉट खेलने का किया था प्रयास हवा में, तो बॉल नहीं थी, डाउन द ग्राउंड गई, दो रन लिए, तीसरे के लिए भाग गए और यहाँ करीबी मामला हो सकता था, लेकिन वहाँ मना किया बल्लेबाजों ने, लेकिन दौड़े नहीं वहाँ पे। एक बार नजर डालिए शॉट पे, ओ बिल्कुल चढ़ में थी बॉल और संजू ने कुछ अलग करने का किया था प्रयास। देखिए कनेक्शन उतना खास बना नहीं था, बॉल गैप में गई, दो रन तो दौड़े और ऐसा मुझे लग रहा था कि तीन भी हो सकते थे, लेकिन वहाँ दौड़े नहीं और कोई भी जोखिम लेना नहीं चाहते भारतीय बल्लेबाज, यहाँ साफ तौर पे वहाँ देखा जा सकता है। लेकिन आप लोग अपना प्यार दिखाते रहिए भारत को। पांचवी बॉल सामने, संजू सैमसन 20 पे खेल रहे हैं, जी हाँ, ओ एक और एक और एक और बड़ा शॉट और इस बार भी छक्का बटोरेंगे संजू सैमसन। क्या ये जबरदस्त बल्लेबाजी है, मैं कहूँ तो संजू सैमसन क्या बढ़िया खिलाड़ी हैं, बढ़िया खेलते भी हैं और आज इनकी बल्लेबाजी देख के लग रहा है कि आज भारतीय टीम कहीं ना कहीं एक बड़ा लक्ष्य बना सकती है साउथ अफ्रीका टीम के सामने। और देखिए बड़ा लक्ष्य तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि हम सब जानते हैं साउथ अफ्रीका एक मजबूत टीम है और एक मजबूत टीम के सामने मजबूत लक्ष्य देना ये जरूरी हो जाता है किसी भी टीम के लिए। हेडरम मार्करम जरूर चाह रहे होंगे कि यहाँ से एक विकेट चटकाया जाए और भारत को थोड़ा दबाव में डाला जाए। भारत का स्कोर 48 रन, अच्छी बात यह है कि विकेट गवाए नहीं है, लेकिन रन रेट भी अच्छी ही है। यहाँ अंतिम के ओवर में अगर थोड़ी और घातक बल्लेबाजी करें तो एक बढ़िया लक्ष्य तक पहुँचा जा सकता है। अंतिम बॉल गेराल्ड कोट जी की, ओ अंतिम बॉल यहाँ चूके, लेकिन एक रन जरूर चुराया और अभी भी भारत को इंतजार करना पड़ेगा 50 रन पूरे होने का। ऑटनेल वाटमैन, देखिए ये भी युवा गेंदबाज हैं, ये भी राइट आर्म मीडियम गेंदबाज हैं और इनको भी मौका मिला है। हगीसो रबाड़ा लुंगी निगड़ी जैसे खिलाड़ी अब साउथ अफ्रीका टीम में हिस्सा नहीं है और देखिए नई टीम को खोज रही है साउथ अफ्रीका टीम T20 के लिए। यहाँ देखिए संजू वो कुछ अलग करना चाह रहे थे, वहाँ लेंथ में पहुँच नहीं पाए और कोई भी रन मिला नहीं और अब तीसरा ओवर करेंगे वाटमैन। जी हाँ, और तीसरे ओवर की पहली बॉल सामने संजू ही है, क्या स्ट्राइक बदली नहीं, लेकिन यहाँ देखिए तीसरे ओवर में भी छक्के के साथ करे शुरुआत और भारतीय टीम ने आखिरकार पूरे करे अपने 50। क्या 50 पूरे कर लिए हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने, एक शानदार साझेदारी जरूर हमें देखने को मिली। ये देखिए बॉल बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच आई थी और संजू सैमसन जब शॉट लगाए और बॉल बल्ले के बीचों बीच आ जाए तो फिर समझ लीजिए कि ये तो कम से कम छक्का तो होने ही वाला है। कितनी ऊपर गई थी बॉल, मानो दूसरे ग्रह में जाके गिरेगी वाटमैन। देखिए इनके पास एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है तो दिक्कतें आ सकती हैं, थोड़ा कप्तान को लगातार इनसे बातचीत करनी चाहिए और बिल्कुल रणनीति के तहत इनको गेंदबाजी करनी चाहिए। और ये देखिए अक्रॉस द लाइन गए, पुल किया, समय था इनके पास और एक और छक्का बटोरने में सफल हुए हैं संजू सैमसन। अच्छा, और ये बढ़िया बल्लेबाजी है भारतीय बल्लेबाजों की, आप कितनी भी तारीफ करें उतनी कम है इन बल्लेबाजों की। ये देखिए बॉल ने पड़ने के बाद एंगल बदला, देखिए टर्न हुई थी और बिल्कुल अगेंस्ट द टर्न गए, अक्रॉस द लाइन गए और बढ़िया शॉट बटोरा, वहाँ फील्डर नहीं थे और अगर होते तो शायद मुझे नहीं लगता कि कैच का मौका बनता। जी हाँ, अगर हम एक बार फिर से देखें शॉट को, ये देखिए
नहीं वहाँ मौका तो नहीं बनता, बॉल काफ़ी ऊंची गई। देखिए शायद बन भी जाता अगर फील्डर होता तो पता चलता, लेकिन 61 पूरे हुए भारत के। और अब तीसरे ओवर की तीसरी बॉल, संजू सैमसन तैयार हैं और 50 रन की तरफ बढ़ रहे हैं। ओ यहाँ बाहरी किनारा, यहाँ गलती नहीं हुई और व्हाटमैन युवा गेंदबाज को मिले सफलता जो चाह रहे थे, वो आखिरकार मिला है साउथ अफ्रीका टीम को। और मैं तारीफ करना चाहूँगा वहाँ जो फील्डर सेट करके रखा था कप्तान एडम मार्करम ने, मानो ने पता था बॉल वहीं आने वाली है। गेराल्ड कोटजी ने बढ़िया कैच पकड़ा, संजू सैमसन अच्छे खेले, 39 बनाए, ज़्यादा लंबी पारी नहीं खेले लेकिन बढ़िया खेले जितना खेले। और भारतीय टीम ने पहला विकेट गंवाया, लेकिन अब कप्तान सूर्य कुमार यादव, और अब कप्तान आ गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, तो देखना तो बनता है कि कप्तान कैसा खेलेंगे इस मुकाबले में। क्या बढ़िया कैच, कोई गलती नहीं। और अब तीसरे ओवर की चौथी बॉल करी जाएगी, और ये चौथी बॉल जो होने वाली है ये बहुत महत्वपूर्ण, किस तरीके से अप्रोच रहेगा, कैच की अपील इस बार भी है, लेकिन ओ वहाँ कोई फील्डर नहीं था, और अगर होता तो फिर एक और विकेट मिल सकता था व्हाटमैन को। और देखिए अगर फील्डर होता तो शायद अभिषेक शर्मा वहाँ शॉट भी ना खेलते, क्या कुछ भी हो सकता था, लेकिन शॉट चौका मिला वहाँ पे। और देखिए भारतीय दर्शकों को कितने प्यार से तालियों के साथ कर रहे हैं भारतीय टीम का सपोर्ट। और ये देखिए लो फुल टॉस बॉल को हवाई यात्रा में भेजा बॉल, ये भी छक्का हो सकता था अगर थोड़ी सी और टाइमिंग मिल जाती। लेकिन दोस्तों सभी से अनुरोध करूंगा, भारतीय टीम का आप सपोर्ट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए, आपका नाम, आपके शहर का नाम, आप कहां से देख रहे हैं। जी हाँ, आप लोगों का प्यार भारतीय टीम के साथ लगातार बना रहना चाहिए। और जो लोग यूट्यूब पर लगातार मैच देखते हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो कमेंट करते हैं जय गुप्ता जी, विनोद कुमार जी, आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। और देखिए अभी तीसरा ओवर चल रहा है, व्हाटमैन एक विकेट चटका चुके हैं, अगर ये एक और विकेट यहाँ चटका दें तो साउथ अफ्रीका जबरदस्त तरीके से वापसी कर सकती है इस मुकाबले में। ओ ये शॉट देखिए, अंडर द नीट गए बॉलर बॉल के, और क्या बॉल उठाई है इन्होंने। देखिए इनका बैकलिफ्ट काफ़ी कमाल का है, युवराज सिंह से अगर सीखेंगे तो फिर ऐसे शॉट आना तय है। और युवराज की याद दिला देते हैं अभिषेक शर्मा, क्योंकि वो एक्शन वो रुतबा इनकी बल्लेबाजी में हमें दिखता है और तो लगातार दिख भी रहा है, क्या बढ़िया खेल रहे हैं, चौके छक्के जड़ रहे हैं, तहास रच रहे हैं, ये ज़बरदस्त बल्लेबाजी है अभिषेक शर्मा के द्वारा। और देखिए कप्तान खुश होंगे इस तरीके से, उनके सामने ही युवा बल्लेबाज खेल रहे हैं। और देखिए 71 रन भारत ने बना लिए हैं जी, और भारतीय टीम ज़रूर चाहेगी अगले ओवर में 100 तक पहुंचा जाए, और पहुंचना भी चाहिए। ये अंतिम वो अभिषेक शर्मा, अब अपनी क्लास तो दिखाई दी इन्होंने, अब अपनी ताकत का भी इस्तेमाल कर रहे हैं बल्लेबाजी में। और मार्को जेंसन चौथा ओवर लेके आए तो हैं, लेकिन शॉट देखिए आप, क्या बात है, अभिषेक शर्मा युवा बल्लेबाज से भरमा रही है टीम। और प्रदर्शन देखिए कितना बेहतरीन, लाजवाब, अद्भुत, अविश्वसनीय। भारत का स्कोर 77 रन एक विकेट के नुकसान पे। अभिषेक शर्मा अब करीब हैं 50 के, लेकिन सूर्य कुमार यादव मिस्टर 360 पहुंच गए हैं स्ट्राइक पे, और मार्को जेंसन की बॉल खेलेंगे। ये कमाल का ऑलराउंडर है, आपने आईपीएल में देखा होगा, गेंदबाजी तो बढ़िया करते ही हैं, बल्लेबाजी भी बढ़िया करते हैं। पहली बॉल लेकिन फुल टॉस, सूर्य कुमार यादव कहाँ छोड़ने वाले हैं और जड़ेंगे छक्का। और देखिए भारत का स्कोर जा पहुंचा 83 रन एक विकेट के नुकसान पे। क्या
और अब लग रहा है मानो बड़ा लक्ष्य बनाने में भारतीय टीम सफल हो सकती है इस मुकाबले में। इस तरीके से लगातार रन्स आ रहे हैं, बड़े बड़े शॉट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और देखिए सूर्य कुमार यादव ने क्या जबरदस्त अंदाज में छक्का छड़ा, 83 पे पहुंचाया भारत को और खाता अपना खोला। और अब मार्कोस जेनसन के ऊपर दबाव बन रहा है और ये दबाव देखना होगा कितना घातक, लेकिन यहाँ मौका है, यहाँ मौका, ओ ये निकल गई, बॉल निकली तो है लेकिन रिप्ले में देखा जाएगा। यहाँ देखिए मार्कोस जेनसन ने फील्डिंग सेट करके रखी थी सूर्य कुमार यादव के लिए, लेकिन थोड़ा अच्छा शॉट खेल बैठे और जो फील्डर उन्होंने लगाया था उनके सिर के ऊपर से निकली बॉल। ये देखिए यहाँ देखना पड़ेगा, जी हाँ इनके सिर के ऊपर से निकली, अगर थोड़ा भी मिस टाइम होते तो ये कैच हो सकता था, क्या वह मौका बन सकता था साउथ अफ्रीका टीम को एक और विकेट चटकाने का, लेकिन फिलहाल तो छक्का मिला है। सूर्य कुमार यादव क्या बढ़िया खेल रहे हैं और अपनी बल्लेबाजी अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं मार्कोस जेनसन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। अब इनको कुछ अलग करना पड़ेगा, यहाँ वो दमखम नजर नहीं आ रहा अभी तक, स्लिप तो लगा ली है, स्लिप लगा ली है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कप्तान सूर्य कुमार यादव जबरदस्त खेल रहे हैं, क्या बात है, बढ़िया अंदाज में बल्लेबाजी है ये। आप जितनी भी तारीफ करेंगे उतनी कम है शॉट को, देखिए आप बढ़िया बल्लेबाजी, लाजवाब शॉट, छक्का बटोरा और भारत का स्कोर 95 रन एक विकेट के नुकसान पे। ये देखिए बॉल को आने दिया, क्या बढ़िया शॉट था वहाँ पे और छक्का लगातार लगा रहे हैं। और मार्कोस जेनसन अब ये क्या सोच रहे होंगे, और ये देखिए भारतीय दर्शक तालियों की गूंज के साथ लगातार भारतीय टीम का कर रहे हैं सपोर्ट। लेकिन दोस्तों आप लोग भी भारतीय टीम का थोड़ा सपोर्ट करिए, प्यार दिखाइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए, आपका नाम, आपके शहर का नाम, आप कहां से देख रहे हैं। देखिए इससे हमें पता चलता है आप भारत के किस कोने से देख रहे हैं, यहाँ और जो लोग रोज़ देखते हैं उनका तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, क्योंकि हमें पता चलता है भारत के किस कोने से देख रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, झारखंड, चेन्नई, क्या और ये प्यार है जो है आप लोगों का यूट्यूब पे जो नज़र आता है वो अद्भुत है। और अब ये चौथी बॉल है, सूर्या द पावर मैन द मिथ, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, इतिहास लिख रहे हैं, और ये 100 रन भी पूरे करे भारत ने, और भारतीय टीम क्या जबरदस्त खेली है। आप जितनी भी तारीफ यहाँ करेंगे उतनी कम है, क्या सूर्य कुमार यादव ने आज दिन बना दिया है सभी का। जो लोग भी इस महामुकाबले को देख रहे हैं वो तो आज मज़ा आ रहा होगा, जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव लगातार चौके छक्के जड़ रहे हैं, इतिहास लिख रहे हैं, ये जबरदस्त बल्लेबाजी है, ये कमाल का शॉट है। क्या और भारत का स्कोर 101 रन एक विकेट के नुकसान पे, चौथा ओवर चल रहा है। यहाँ ये देखिए बहुत ही शानदार शॉट लगाया, छक्का बटोरा वहाँ पे, क्या ही शानदार बल्लेबाजी है ये। यहाँ भारत का स्कोर 101 रन एक विकेट के नुकसान पे, चौथा ओवर चल रहा है। अभिषेक शर्मा ये तो 38 पे खेल रहे हैं, लेकिन आप सूर्या को देखिए आते ही 24 पे पहुंच गए हैं, ये दर्शाता है किसी भी बल्लेबाज की काबिलियत को, क्षमता को, कि वो किस हद तक बड़े शॉट लगा सकते हैं। यहाँ आज कुछ अलग ही नज़र आया है इनकी बल्लेबाजी में, वो दमखम, और भारतीय दर्शक भी पूरा प्यार, पूरा सपोर्ट, पूरा समर्थन भारतीय टीम के लिए निछावर करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और अब ये पांचवी बॉल चौथे ओवर की, ओहो हो यहाँ भी छक्का, और अब देखिए मुश्किल हो रहा है साउथ अफ्रीका टीम के लिए वापसी कर पाना,
मैं ये सोच रहा हूँ अगर भारतीय टीम एक बड़ा लक्ष्य देती है, क्या साउथ अफ्रीका टीम बना पाएगी या नहीं। और ये देखिए कप्तान, और मैं समझता हूँ कप्तान ने थोड़ी देरी करी। मार्को जेंसन एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन आज उनकी गेंदबाजी नहीं चली। देखिए कभी कभी होता है कि आपका दिन नहीं होता, और जिस दिन आपका दिन नहीं होता उस दिन कुछ भी चीज़ आपके पक्ष में जाती नहीं है। और मार्को जेंसन जैसे खिलाड़ी के पक्ष में अगर चीज़ नहीं जा रही तो आप मान के चलिए जो पिच है बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है। जब साउथ अफ्रीका टीम बल्लेबाजी करने के लिए आएगी तो फिर मज़ा तो आने वाला है इस मुकाबले में। मार्को जेंसन भारत 107, और ऐसे ही भारतीय टीम अगर खेलती रही तो फिर एक बढ़िया लक्ष्य बना सकती है। और अच्छी बात यह है कि ओ यहाँ सूर्या कुछ अलग करना चाह रहे थे, पहला रन दौड़ा तेजी से, दूसरे के लिए भी जाना चाह तो रहे थे लेकिन मना किया, लेकिन लगभाई के रूप में रन आया है वहाँ पे। और अब केशव महाराज अंतिम ओवर करेंगे, देखिए विकल्प नहीं है, सारे फास्ट बॉलर से तो गेंद करा ली लगभग, लेकिन यहाँ तो क्या हुक शॉट लगाना चाह रहे थे। और अब पांचवें ओवर की पहली बॉल करी जाएगी सूर्य कुमार यादव को, केशव महाराज स्पिन के सामने, तो ये ओ कितने प्यार से खेला ये शॉट को, और बटोरेंगे छक्का सूर्य कुमार यादव, बढ़िया बल्लेबाजी। क्या आप जितनी भी तारीफ करें उतनी कम यहाँ पे सूर्या की, ये बाद में आए और क्या बढ़िया खेल रहे हैं, चौके छक्के जड़ रहे हैं, और पांचवे ओवर की क्या बढ़िया तरीके से शुरुआत करी है उन्होंने, क्या बढ़िया बल्लेबाजी। भारत का स्कोर 114 रन एक विकेट के नुकसान पे। देखिए ये मत भूलिए केशव महाराज जो हैं भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं, और ये भली भांति जानते होंगे भारतीय टीम की क्या ताकत है, क्योंकि देखिए इनके पास वो कुशलता, ओ ये ओहो हो शॉट, देखिए आप जितनी तारीफ आप सूर्य कुमार यादव की करेंगे उतनी कम है। ओ कितने प्यार से, ये क्लासिक बल्लेबाजी है, ये बेहतरीन कवर ड्राइव है, शॉट को आप 100 बार देखिए, ये देखिए कैसे टू फील्डर के बीच में से शॉट खेला और इतने प्यार से, ये बिल्कुल आसान नहीं है। सूर्य कुमार यादव ने वो करके दिखाया, शानदार शॉट लगाया, चौका बटोरा, और भारत का स्कोर अब 118 रन एक विकेट के नुकसान पे। केशव महाराज ये भी थोड़े महंगे साबित तो हो रहे हैं। यहाँ पांचवें ओवर की तीसरी बॉल केशव महाराज करेंगे एक बार फिर से, और एक और बार हवाई यात्रा में बॉल को भेजा सूर्य कुमार यादव ने, और ये लीजिए छक्का बटोरते नजर आएंगे, और एक बेहतरीन स्कोर तक तो भारत पहुंच गई है। और अब देखना होगा आगे और कितने रन जोड़ेंगे। काफी शानदार खेल दिखाया भारतीय टीम ने और दिल खुश कर दिया आज रोहित माफ करेगा सूर्य कुमार यादव ने, अभिषेक शर्मा ने। देखिए आज अभिषेक शर्मा का योगदान भी बड़ा याद रखा जाएगा, 38 रन उन्होंने बनाए जरूर है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड करी, संयम दिखाया, अच्छे रन बनाए, और लगातार रन आ रहे हैं अब भारत के खाते में। एक बढ़िया टारगेट तक तो पहुंच गई है, और अब बची हुई तीन बालों में और कितने रन भारत बना पाएगा। पांचवें ओवर की चौथी बॉल सामने सूर्य कुमार यादव, ओ ये लीजिए सूर्य कुमार यादव, छक्का तो जड़ेंगे ही, 50 भी पूरे करेंगे, और भारतीय टीम को एक बेहतरीन लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। इस बड़े रोमांचक मुकाबले में शानदार 50 बनाए सूर्य कुमार यादव ने, आप जितनी तारीफ करें इस बल्लेबाज की कम है, इतना लेट आए और क्या जबरदस्त आए और क्या शानदार खेले, और बेहतरीन तरीके से उन्होंने रन बनाया, और क्या शानदार बल्लेबाजी है ये। और देखिए शॉट जो लगा रहे हैं वो भी काफी लंबे हैं,
लेकिन दोस्तों मैं सभी से अनुरोध करूंगा, भारतीय टीम का थोड़ा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए, आपका नाम, आपके शहर का नाम, आप कहाँ से देख रहे हैं। और जो लोग रोज़ देखते हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। क्या आप लोगों का प्यार अद्भुत है, अकल्पनीय है, और ऐसा प्यार हमेशा भारतीय टीम के लिए दिखाते रहें। 130 भारत ने बनाए एक विकेट के नुकसान पे, और अब पांचवें ओवर की पांचवी बॉल। सूर्य कुमार यादव यहाँ नहीं बना कनेक्शन, आउट होंगे। जी हाँ, विकेट तो मिला आखिरकार अंतिम के ओवर में, सफलता दिलाई है केशव महाराज ने। और देखिए ये कैच कम से कम आपके 10 रन रोकेगा। देखिए यहाँ 0 रन मिले, सूर्या को आउट किया, और अब आने वाले जो बॉल है उसका भी कुछ पता नहीं है, क्या वहाँ कोई रन आएंगे भी नहीं। लेकिन सूर्या अच्छा खेले, बढ़िया खेले और अंत तक खेले, हालांकि कुछ बॉल ज़रूर बची थी वो खेल नहीं पाए, लेकिन इस काम के लिए आए थे वो तो उन्होंने किया। अब रिंकू सिंह आ रहे हैं, अंतिम बॉल खेलेंगे, 130 एक अच्छा स्कोर। लेकिन अभिषेक शर्मा ये पहुंच गए हैं स्ट्राइक पे, और आप सभी कम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं मैं उनका दिल से आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं, ऐसे ही प्यार दिखाते रहें। और अंतिम बॉल के लिए तैयार रहें अभिषेक शर्मा, 38 पे हैं। देखिए छक्का भी आएगा तो 44 पे पहुंचेंगे, 50 तो नहीं बना पाएंगे। ओ ये शॉट अच्छा तो है, क्या हवा में फील्डर के पास जाएगी, नहीं, और ये लीजिए एक और छक्का, और छक्के के साथ इस पारी का करेंगे भारतीय बल्लेबाज अंत। 137 का लक्ष्य साउथ अफ्रीका टीम को दिया है भारत ने। अभिषेक शर्मा जबरदस्त खेले, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम सिर्फ भारत की बल्लेबाजी दिखा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं साउथ अफ्रीका टीम की भी बल्लेबाजी देखना तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप तक पहुंच जाए। और आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आभार, अभिनंदन, ऐसे ही प्यार बनाए रखें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।